वेलकम टू speeddining.com speeddining.in। दोस्तों सबसे पॉपुलर टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं, आखिरी तक सुनने वाले हैं आप, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है या डे ट्रेडिंग क्या है। कई लोग इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं या डे ट्रेडिंग टर्म है। क्या चीज है डे ट्रेडिंग, इसको कम से कम कितने पैसों में किया जा सकता है, कम से कम कितना प्रॉफिट बनाया जा सकता है। हमने सुना कि बड़ा रिस्की है, बहुत नुकसान हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट बन सकता है। आजकल आपको पता है कि पूरी जनरेशन बहुत ही बेसब्र हो रही है, अगर उनको बहुत बड़ा पैसा नहीं दिखाओ तो वो अपने काउच से हिलने वाले नहीं है, सोफे से हिल के कहीं चलने को राजी नहीं है। तो हम यहाँ ये देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है। दोस्तों मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट के एक एक छोटी से छोटी बातों को आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ। ये एक तरीके से फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी का एक पैरेलल फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी का काम हम लोग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे सारा नॉलेज ले सकते हैं। शुरू में हमेशा हमने पेड कोर्सेज रखे हैं, लेकिन अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के कोने कोने में या दुनिया के कोने कोने में जहां NRI भी रहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो वो हमसे जितना सीखना चाहें सीख सकते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है तो हम आराम से काम कर पाएंगे। सभी सपोर्टर्स का हमको कंट्रीब्यूशन मिलता रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे एक नॉन कमर्शियल एंगल से। वैसे तो भगवान दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से ये हुआ है कि हम कभी भी बहुत कमर्शियल एंगल के साथ काम नहीं किए। कभी आपके पास हमारे किसी एग्जीक्यूटिव या टेलीकॉलर का फोन नहीं आया होगा कि आप हमारी सर्विसेज को ज्वाइन कीजिए, उसके लिए पैसा दीजिए। पहले भी हमने पेड सर्विसेज इसलिए शुरू की थी कि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि 1100 वीडियो में से चुने हुए 10 वीडियो हमको मिल जाए जो स्पेशली बने हुए हो, छोटी छोटी डिटेल के साथ, जिसको देख के 3 दिन के अंदर हम काम करना आराम से सीख लें। वो उसके लिए उनका ये कोशिश था कि एक छोटा सा अमाउंट पे करें और फायदा उठाएं। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जब शेयर एक ही दिन में खरीद के बेच दिया जाता है, बाजार खुला 9 बजे, स्टॉक मार्केट खुला 9 बजे से 9:15 तक, ये प्री ओपन मार्केट है, 9:15 से 3:30 तक ट्रेडिंग सेशन है और 3:40 से 4 बजे तक पोस्ट ट्रेडिंग सेशन है। तो 9:15 से 3:30 के बीच में जो ट्रेडिंग आप करते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग इसको कहा जाता है। अब डे ट्रेडिंग में कई बार लोगों ने ये गलत मतलब निकाल लिया कि 9:15 से खरीदा है तो अब 3:30 बजे तक बेच पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर्स को 5 मिनट में भी खरीद के बेच सकते हैं। हमने एक अपनी खास स्ट्रेटेजी में ये भी बात की है कि 9:15 पे आप खरीदते हैं, 9:19 पे बेच के आप चले जाते हैं, दिन भर का काम आपका हो चुका। आप पहले बहुत छोटे पैमाने पे इस ट्रेड की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद में उन्हीं 4 मिनट में 4,000 रुपये या 40,000 रुपये भी कमा सकते हैं। तो एक दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या पैसा कमाया जा सकता है, 50 रुपये 100 रुपये भी कमाए जा सकते हैं। आप अपना वहां पे लॉस डिफाइन कर सकते हैं स्टॉप लॉस के जरिए। स्टॉप लॉस वो ऑर्डर है जो ये तय कर देता है कि मेरा लॉस 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। मतलब जितना आप अपनी बाइक में पेट्रोल फूंक देते हैं कम से कम उतना स्टॉप लॉस तो बगैर किसी चिंता के ले सकते हैं ना, एक स्टूडेंट भी ये कर सकता है। तो दोस्तों बिजनेस सीखने का है, बिजनेस करने का इससे खूबसूरत कोई तरीका आज तक आया नहीं था। मुझे जब भी बिजनेस के लिए कहा जाता था और मैं जब जाके दुकानें देखता था मेरा दिमाग घूम जाता था। मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था कि इस दुकान में जो माल रखा हुआ है इतना सारा, किसी ग्रोसरी स्टोर में, किराना दुकान पे, कहीं कपड़े की दुकान पे, कहीं बर्तन की दुकान है, सोना चांदी की दुकान है, कहीं हार्डवेयर की दुकान है, मुझे पूरी भरी हुई दुकान दिखती, पता लगता वहां 5 लाख से लेकर 25 लाख का माल है। और मैं सोचता था कि ये बिकता जाता है तो आपको कैसे पता लगता है क्या फायदा नुकसान हो रहा है, और ये तो कई माल तो काफी माल तो बिकता ही नहीं होगा। फिर वो बताते थे कि हाँ ये बेचे है, इस पे इतना इतना परसेंट का मार्जिन है, किसी को बराबरी में बेचना है, फिर उधारी होगी, वो उधारी हमको वहां से वसूल करने जाना पड़ेगा। तो ये सब करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। भाई एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं रोज रात को आके सोचता था कि यार कुछ अपना शुरू करें, कुछ अपना शुरू करें, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखता था। तो कभी हम सोचते थे किताब लिखें, कभी हम सोचते थे किसी गैरेज पे चले गए, वहाँ पे वो काम सीखें, कोई टेक्निकल काम जिसको वैसे करने की शुरुआत करें। एक ज़माना था आज से 20 साल पहले,
हर पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई बिजनेस करना चाहता था उसको दो बिजनेस दिखते थे, एक एसटीडी पीसीओ, एसटीडी की दुकान खोल लेते थे, या फिर वो फोटोकॉपी मशीन ले आते थे, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं कर पाते थे। आज ये बिजनेस इतनी ताकत दे रहा है एक इंसान को कि 5,000 रुपए या 2,000 रुपए में भी आप अपना बिजनेस का एक्सपेरिमेंट शुरू करो ना, और पूरा पूरा अनुभव मिलेगा। अगर मैं ICICI बैंक का शेयर खरीद रहा हूँ, SBI बैंक का शेयर खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उसकी प्राइस कैसे बढ़ रही है गिर रही है मुझे पता लग रहा है, 5 साल से 20 साल से उसका चार्ट कैसे चल रहा है गिर रहा है मुझे पता लग रहा है, कितनी बजे कितनी तारीख को क्या प्राइस थी, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, सब डाटा है। मैं जैसे चाहे वैसे काम कर सकता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी क्या है, आपका जानना मार्केट को। अब आपकी उम्र भले ही 10 साल हो लेकिन 30 साल से बाजार में क्या हो रहा है ये पता हो सकता है, आपकी उम्र भले ही 25 साल हो लेकिन 50 साल से मार्केट में क्या होता आया है वो सारा डाटा अवेलेबल है। ये खूबसूरती है इस बिजनेस की। अगर हमने सुबह से लेकर शाम तक बेच दिया तो इसको इंट्राडे कहा जाएगा, और अगर नहीं बेचा तो उसको डिलीवरी कहा जाएगा। तो आजकल डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जैसे आप स्टॉक्स के साथ आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक दी हुई है, क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल डालिए। पहले से आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट है तो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आप खोल सकते हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट फिर आपको मिल पाएगा, क्योंकि हम अपने जो ट्रेडर्स हैं होते हैं उनके साथ सूचनाओं का आदान प्रदान आराम से कर पाते हैं। तो डिलीवरी लेना कहा जाएगा, अगर हमने वो शेयर रख लिए तो इसको डिलीवरी लेना कहा जाता है। अगर आज के दिन नहीं बेचा तो आज जितने डिस्काउंट ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं वहाँ पहले ही वो पूछते हैं MIS और CNC। MIS मतलब आप दिन के लिए, एक दिन के लिए, इंट्राडे के लिए ले रहे हो, या तो वहाँ इंट्राडे वर्ड होगा, इंट्राडे ऑप्शन है, इसका मतलब आपने खरीदा। अगर आप नहीं बेचेंगे 3 बजे तक तो ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा, अपने आप बेच दिया जाएगा, क्योंकि आपने इंट्राडे के लिए लिया है। और CNC मतलब कैश एंड कैरी है। अब दोनों में फर्क क्या है, अगर आपने MIS में लिया तो आपको लिवरेज मिलेगा। लिवरेज क्या मिलता है, जैसे आप समझो 5 गुना लिवरेज दे रहा है कोई, 10 गुना दे रहा है कोई, 20 गुना लिवरेज दे रहा है, मतलब आपने 20,000 रुपए जमा किए हैं तो आपको एट ए टाइम 1,00,000 रुपए तक की खरीदी करने की छूट मिली है। अब कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि यार 20,000 रुपए दे रखे तो 1,00,000 रुपए तक की खरीदी कैसे करने दे रहे हैं अगर नुकसान हो जाए। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि 1,00,000 रुपए तक के शेयर खरीदने की आपको परमिशन दी है। अब वहां पे क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, और नॉर्मली एक रेगुलर मार्केट में एक इंसान को 5 से 10% का नुकसान हो सकता है। तो अगर 20,000 रुपए आपके जमा है, मतलब 1,00,000 रुपए का शेयर लेने पे 20% तक का नुकसान हो जाए, तब तक भी ब्रोकर को आपसे पैसा लेने तो आना ही नहीं पड़ेगा। ऊपर से ब्रोकर्स ने क्या डिफाइन करके रख दिया वहां पे कि अच्छी कैटेगरी के शेयर्स में वो आपको लिवरेज अलाउ करते हैं, और बुरी कैटेगरी के जो शेयर्स है जेड ग्रुप के उनमें आपको ट्रेडिंग ही अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है, शेयर्स की कैटेगरी होती है A ग्रुप B TTS और जेड ग्रुप। अब कई इन्वेस्टर ट्रेडर्स को ये बात ही नहीं पता। अब ये जानकारी लेना जिम्मेदारी किसकी है, अगर आपको नहीं पता है तो इसका नुकसान आप उठा सकते हैं। पर एक्सचेंज ने यह व्यवस्था करके रखी थी कि जो सबसे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है उनको ए ग्रुप में रखा हुआ है। तो ए ग्रुप में कोई 225-230 के आसपास स्टॉक्स हैं। आप चाहते तो जिंदगी भर ए ग्रुप के प्रीमियम क्वालिटी के शेयर्स में, अच्छी से अच्छी कंपनीज में ही ट्रेड करते, आपको उसके बाद की चीजों को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़े। जैसा चाहे आप डिसाइड कर सकते हैं। आज ज्यादा चाहा तो हम बी ग्रुप में जा सकते हैं। बी ग्रुप में जाने का कारण क्या है, वहां बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, तो अगर आपको अनुभव है, आपको हैंडल करना आता है कि बहुत तेजी से भागता है तो उसका प्रॉफिट कमाना आता है, बहुत तेजी से नीचे जाता है तो आप उससे एग्जिट करना जानते हो, उसको शॉर्ट सेल करना आपको आता है, आप उसका नुकसान नहीं उठाते हो, तो वो आपके लिए फायदा बन जाएगा। अब आप 20,000 रुपए के बदले में 1,00,000 रुपए तक का एक बार में ट्रेड कर सकते हैं। अगर बार बार रोटेट करते हुए आप ऐसा 10 या 50 बार भी कर रहे हैं तो चलेगा। मतलब 20,000 रुपए जिसके जमा हैं वो एक बार में 1,00,000 का ट्रेड कर रहा है, उसने 1,00,000 के शेयर खरीदे बेच दिए, 1,00,500 में बिक गए, फिर उसने खरीदे 1,00,000 के, फिर 1,00,800 में बिक गए, फिर उसने खरीदे 1,00,000 के, इस बार 300 रुपए का नुकसान हो गया, स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे पता लग रहा है कि 20,00,000 रुपए का टोटल ट्रेड कर लिया है सिर्फ 20,000 रुपए के कैपिटल की वजह से।
एट ए टाइम आपको लिवरेज मिला, आप काम करते चले गए, और ये ऐसा बिजनेस है जहां 5-5 मिनट में आपको पता होता है कि आप फायदे में हो कि नुकसान में हो। ये पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें आप जहां चाहे वहां रुक सकते हो, जबकि आप देखिए किसी और बिजनेस के बारे में पता तो कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा जितना आप बाहर जाएंगे, जितना आप दूसरे कैरियर्स के बारे में जानेंगे, उतना ही इस कैरियर के लिए आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होती है व्यापार करना। अब यहां सब कुछ तेजी से हो रहा है, तो तेजी से आप ऊपर जा सकते हो, तेजी से आप नीचे आ सकते हो। तो तेजी से नीचे आना या तेजी से नुकसान करने का कारण क्या? आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की और सीधा लाख रुपए लेके कूद पड़े बाजार में। किसने कहा आपसे ये करने की जरूरत है भाई? जब आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप 2,000 या 5,000 रुपए में पहले एक्सपेरिमेंट करके सारी गलतियां कर सकते हो, तो आप 100-100 रुपए की गलती करो ना, आप क्यों 2,000 की या 5,000 की गलती करने जा रहे हो? लेकिन कहते हैं ना कि होशियार कौवा गंदे पे बैठता है, तो बहुत सारे लोग होशियारी में इस बात को कभी नहीं देख पाते कि वो रोज रेकरिंग लॉसेस कर रहे हैं, रेकरिंग वो ज्यादा ब्रोकरेज टैक्सेस दे रहे हैं। कई लोग तो अवैध तौर पे डब्बे में कारोबार कर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि भाई पैन कार्ड बनाएंगे, इनकम टैक्स वाले हमारे घर आ जाएंगे, ये सोच के डब्बे में उन्होंने इतना पैसा दे दिया जो टैक्स का 5 से 10 गुना हो। तो ऐसे डरने की बजाय समझने की जरूरत होती है कि मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूं वहां पे, उसमें मैंने अपनी लिमिट बना ली, और ये बुरा से बुरा सोच लिया कि 100 रुपए रोज का स्टॉप लॉस है, तो 250 ट्रेडिंग डेज में साल भर के लिए 25,000 रुपए मैंने कुएं में डाल दिए, और 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप रोज ट्रेड करते हैं। अब उसमें आप 10 या 20 शेयर ले पाते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी मत कीजिए। पहले आप ये काम करना शुरू कीजिए डिसिप्लिन के साथ, टाइम डिसिप्लिन रखना है। अभी कई लोग सोचते हैं कि क्या पूरे दिन स्क्रीन पे बैठे रहेंगे, मुझे तो ऑफिस जाना होता है। अरे तो आप आधा घंटे में ट्रेड करके निकल जाइए, सब कुछ साफ करके ऑफिस में अपना काम दिल लगा के कीजिए, पीछे देखने की कोई जरूरत ही नहीं। अगले दिन सुबह आना, बाजार खुलेगा, आधे घंटे में काम करके निकल जाना। आधा घंटा भी छोड़िए, हमने तो 5 मिनट का भी मेथड बता दिया है। फिर इधर BTST होता है, बाय टुडे सेल टुमारो, वो एक अलग मेथड है इंट्राडे से, लेकिन बाजार बंद होते होते शेयर खरीद लिए, अगली सुबह बेच दी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो डे ट्रेडिंग की ब्रोकरेज कम लगती है, डिलीवरी की ज्यादा लगती थी। अभी डिस्काउंट ब्रोकिंग में ऐसा हो गया है कि डे ट्रेडिंग की ब्रोकरेज घटते घटते काफी कम हो गई है, ना के बराबर। और डिलीवरी की ब्रोकरेज तो बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर ने, जैसे आप स्टॉक्स ने 0 ब्रोकरेज कर रखी है, मतलब डिलीवरी के लिए आप शेयर उठाते हो तो वहां पर ब्रोकरेज लग ही नहीं रहा है। तो लोगों के लिए BTST करना या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना बड़ा अच्छा हो गया। पहले आप 1% कमाते थे तो उसमें से 75% ब्रोकरेज में चला जाता था, कभी कभी पूरा ब्रोकरेज में चला जाता था। अभी 1% का मार्जिन मिले तो पूरा 1% या कम से कम दूसरे हिडन चार्जेस छोड़ के 0.8-0.9% तो आपकी जेब में आने वाला है। मतलब थोड़ा सा भी शेयर ऊपर खुले कि हम बेच के बाहर निकल सकते हैं। अब डे ट्रेडिंग को सब लोग बहुत रिस्की बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जहां टीवी चैनल्स पे सुनते हैं तो डे ट्रेडर किसको माना जा रहा है कि जो पूरे बिजनेसमैन की तरह ट्रेडिंग करने आ गए हैं, सीधा 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए लेके जैसे दूसरा बिजनेस करते थे वैसे यहाँ पे आ गए हैं, उनको अभी बाजार के बारे में पता नहीं है, तो एकदम बहुत आसानी से पहले पैसा मिलता है, इसको बोलते हैं बिगिनर्स लक। तो आपको ऐसा हुआ कि एक एक दिन में 30,000 40,000 ऐसा प्रॉफिट मिला, तो अपने आप को संभालना मुश्किल होगा। अब वहां पे आप अपनी क्वांटिटी वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, आपको लगा कि अगर 1,000 शेयर पे 2,000 रुपए मिले हैं, 4,000 मिले हैं, तो 5,000 शेयर खरीदे होते तो क्या होता? तो आप अपनी क्वांटिटी हर 2-2 दिन में बढ़ाते जाएंगे। फिर बाजार में 3 दिन की तेजी के बाद एक गिरावट आई, और इतनी बड़ी गिरावट आई कि आपने जो भी कमाया था 1,000 शेयर में, कितना कमाया था, 5,000 करके आपने 20,000 कमा लिए थे। अभी 10,000 की क्वांटिटी में काम कर रहे थे, वो 8 रुपए नीचे चला गया, 80,000 रुपए माइनस हो गए। ऐसे नुकसान होता है, नुकसान का जिम्मेदार कौन है? अगर आप अपने जहाज में छेद नहीं करते, अपनी नाव में छेद नहीं करते, तो क्या वो डूबती? डूबी किस लिए? क्योंकि हमने ये कॉमन सेंस नहीं रखा कि भले ही आप अपने फील्ड के अंबानी होंगे, लेकिन किसी नए फील्ड में आए हैं तो ABCD से शुरुआत करो। अपने ईगो को ताक पे रखें और यहां सीखने की शुरुआत, समझने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जल्दी क्या है, बाजार क्या बंद हो रहा है, कितने सालों से तो स्टॉक मार्केट यहां काम कर रहा है, तो आपकी पूरी जिंदगी, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे की जिंदगी तक ये चलता रहेगा। तो वहां कोई जल्दी नहीं है, समझो। पहले एक मॉडल बनाइए
कि कैसे 10,000 रुपए पे 100 रुपए रोज का मेंटेन करूं 1%, फिर 1,00,000 रुपए पे 1,000 रुपया सीखा, फिर 5,00,000 रुपए पे 5,000 रुपया सीखा। तब तक तो 5,00,000 पे 12,000 रुपए 10,000 रुपए तक कमाना आप सीख लेंगे, ये सब पॉसिबल है यहाँ पे। तो एक दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना पैसा कमाया जा सकता है, 1,00,000 5,00,000 रुपए भी लोग एक दिन में कमाते हैं। और ऐसे कोई इक्के दुक्के लोग नहीं है, इंडिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो एक दिन का 1,00,000 रुपए से ज्यादा भी यहां कमाते हैं। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप आओगे तो आपको 1,00,000 से ज्यादा कमाना है, बात होती है पोटेंशियल की। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे थे तो क्या देख के गए थे, आपको पता लगा कि भाई 2,50,000 रुपए तक की सैलरी मिल रही है, 4,00,000 भी सैलरी है, वो देख के आपने आईटी में एडमिशन लिया। अब आपके पास आउट होते होते सीन बदल गया और यहाँ पे मास रिक्रूटिंग होने लगी और ट्रक में भर भर के लोग ले जा रहे हैं, कंपनीज ले जा रही है, आपको 25-25-30,000 की सैलरी दे रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उस फील्ड में पोटेंशियल नहीं है, आप ये देख के गए कि उस फील्ड में इतना पोटेंशियल तो है ना। आईटी सेक्टर में अगर सचमुच आप कुछ सीख लें और अपना खुद का एक ऐप डेवलप कर लें, अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें, डिजिटल मार्केटिंग करने लग जाए, 50 लाइन है। लेकिन पैसा किसको मिलता है, जो लगातार सीखता है और सीखते वक्त होशियारी के सवाल नहीं पूछता। आदमी को खर्च करना चाहिए बेगर्स की तरह, मतलब भिखारी की तरह खर्च करो, और इन्वेस्ट करो किंग की तरह, राजा की तरह इन्वेस्ट करो। तो राजा की तरह इन्वेस्ट करना मतलब अपने आप को सिखाने में जो जो एक नया तजुर्बा, जैसे मेरे वार्डरोब में हमेशा हर महीने एक नया आउटफिट आ जाए, नई ड्रेसेस आ जाए, अच्छा लगता है ना। तो हर साल मेरे पर्सनालिटी में एक और नया हुनर शामिल हो जाए, एक नया स्किल शामिल हो जाए, तो उसमें क्या बुराई है। उसके लिए आप थोड़ा पैसा खर्च करें, इसकी मानसिकता बनानी चाहिए, आप देखना कितना आगे जाओगे। तो डे ट्रेडिंग को हम यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बहाना मान के बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं डे ट्रेडिंग सीखने की, कि आप स्विमिंग सीखने गए और आप 50 फीट पानी में कूद गए तो डूबने का खतरा है, लेकिन आप अगर 2.5 फीट के पानी में कूदे तो क्या डूबने का खतरा है, नहीं। तो हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग आपको सिखाते हैं वो 2.5 फीट के पानी में सीख रहे हैं आप। और जब आप चीजें समझने सीखने लगे, जब आपकी उंगलियां ठीक से चलने लगी, और आप तो स्मार्टफोन पे काम करते हैं, आपके स्मार्टफोन पे आपने ऐप ले लिया, बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं वो सब आपको हमारे 7 वीडियो जो बना रखे हैं उनमें देखने को मिल रहा है। एक छोटी सी छोटी बात है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रही है हमको पॉइंट वाइज क्वेश्चन मेल कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, लगातार हम सीखते चले जाएंगे। क्या ऊर्जा है जो हमको सपोर्ट कर रही है, हमको एक चीज ये सपोर्ट कर रही है कि हर करियर में पैसा बनता था, यहाँ पे कई लोगों की जिंदगी बनी है। और ये यकीन मेरा तब बहुत बढ़ गया जब मैं इंडिया टूर पर अभी गया था, आप लोगों से मिला आमने सामने, तो मुझे लगा कि शायद कई लोग शिकायत कर सकते हैं कि नहीं सर मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया, हमको इतना प्यार और भरोसा मिला है, और उनको सुन के जो मज़ा आया है, कई लोगों को ऐसे सॉल्यूशंस मिले हैं कि वो शान से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उनकी लाइफ की जितनी पर्सनल प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, बीमारियां तक दूर चली गई। क्योंकि जब हमारी एनर्जी एक दिशा में काम करने लगती है तो हम हमारा मन स्वस्थ हो जाता है, और मन स्वस्थ होने से तन स्वस्थ रहने लगता है ना। तो हमारे पास एक सीधा पर्पस होना चाहिए जिसको हम अभी से कर सके। आप करना, आपको जो भी काम करना हो, आपको एक फैक्ट्री डालनी हो फैक्ट्री डालना, आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना, आपको फैशन डिजाइनर बनना है वो भी करना, आपको बॉलीवुड में स्ट्रगल करने जाना है वो कीजिएगा, डांसर बनना है डांसिंग कीजिएगा, लेकिन ये तो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं, और ये आपको अपने सपनों को पूरा करने की ताकत दे सकता है। तो टर्मिनल पे जाते हैं आप, और जब आप ट्रेडिंग में शामिल हो जाते हैं तो आपको 3-4 चीजें तो फ्री में मिल जाती है। क्या क्या फ्री में मिल जाता है, पहला न्यूज के साथ अपडेट होना, दुनिया भर की न्यूज के साथ आप अपडेट होते हैं, आपको दुनिया भर के बिजनेसेस के बारे में पता लगता है, तो आपको सक्सेस स्टोरीज मिलती रहती है कई सारी, आपको मालूम पड़ता है कि यार दुनिया में लोग कितना कितना पैसा बना लिए, कितने कितने बिलियनियर्स बन गए हैं, और क्या क्या बिजनेस किए हैं उन्होंने, और दुनिया में कहां कहां जाके छा गए हैं। ऐसी बातें सुनने से क्या होता है, जज्बा जागता है, जोश आता है, इंग्लिश आपकी बहुत इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को आप बार बार यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत तगड़ा हो जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में आप जाएंगे स्क्रीन में कहां प्राइस बदल रही है, क्या हो रहा है, आपको दिखेगा नहीं, ऐसी हालत होगी आपकी,
कि जैसे शटल नहीं दिख रही है बैडमिंटन का या टेनिस का गेम देख रहे हैं तो बॉल नहीं दिख रही, ऐसे आप देखते रहोगे बाद में धीरे धीरे दिखने लग जाएगा, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, फोकस आ जाएगा। क्योंकि जब जब आप गलती करेंगे आपका ध्यान हटेगा, आपको मार पड़ेगी, वो मार मार के आप इतना सीख जाएंगे कि अब आप आराम से काम करेंगे, फिर डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि डिसीजन नहीं लिया तो आपको 1000 प्रॉफिट मिल रहा था वो घट के 500 रह गया, डिसीजन नहीं लिया तो 500 प्रॉफिट भी जो मिल रहा था वो भी माइनस 500 हो गया। तो धीरे 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 हमको डिसीजन लेना ही पड़ता है। उसके बाद डे ट्रेडिंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये डे ट्रेडिंग नहीं होती तो लिवरेज वाला काम नहीं होता। तो आप समझो, आप अपने SBI की डिलीवरी के शेयर बेचने गए या आप किसी और कंपनी के शेयर बेचने गए और वहां पे डे ट्रेडिंग नहीं हो रही तो आपके शेयर बिकने में टाइम लग जाता है। ऐसा हो सकता था कि आप सुबह से सौदा लगा के रखते और 2 दिन तक आपका माल ही नहीं बिकता क्योंकि अभी उतना वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग की वजह से क्या पॉसिबल हो गया, कई गुना टर्नओवर हो रहा है। भाई जिसका 20,000 रुपया है, अगर वो दिन में 20 लाख या 50 लाख का टर्नओवर कर रहा है, जो 100 शेयर खरीद सकता है वो 5,000 शेयर खरीद बेच चुका है, तो आपके 200-500 शेयर डिलीवरी के बिकने में तो पलक झपकने की भी देर नहीं लगती। तो दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी है कि वो दिमाग से ही है माल है, जब तक उनका पसीना नहीं बहता, इधर उधर जाके वो ठोकरे नहीं खाते, उनको लगता है कि भाई फील नहीं आ रहा है। कई लोगों की हालत है कि जब तक वो 25-50 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं कर देते, उनको लगता है कि नहीं भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन का प्रॉब्लम, कि मैं बहुत सारा पैसा लगा दूं तभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ ताकत आई है, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि अरे मैं तो ऐसे ही हूं। देखिए, बिजनेस किसको कहते हैं, शॉप पे काउंटर पे जो इंसान खड़ा है और जो आपसे पैसा लेके आपको माल तोल तोल के दे रहा है वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्स पर्सन है, वो काउंटर एग्जीक्यूटिव है। तो फिर बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन है इस दुकान का मालिक जो हो सकता है शाम को 4 बजे आएगा, लेकिन ये दुकान डालने का निर्णय उसने लिया था। क्या देख के लिया था? उसने स्टडी की चारों तरफ, उसको पता लगा कि इस एरिया की डिमांड क्या है, वो सही जगह से सही रेट पे परचेस करके आया सही क्वालिटी का सामान और यहाँ पे 2-4 लोगों को खड़ा कर दिया। अब वो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, मतलब ये जो बाइंग सेलिंग आप करते हैं ना, और उसमें आदमी सोचता है कि अरे मैं तो 3 साल से बाजार में काम कर रहा हूं, तो 3 साल से बाजार में अगर सिर्फ बाइंग सेलिंग कर रहे हो और बाकी डिसीजन सब हवा में हो रहे हैं तो आप कहां बिजनेसमैन बने, आप तो काउंटर पर्सन हो। तो डिसीजन मेकिंग है जो बिजनेस कहलाती है। ये सोच बदलने की बहुत जरूरत है कि आपका काम क्या है, निर्णय लेना। तो अगर कोई बोले कि अच्छा बस सिर्फ निर्णय लेना है, अरे तो निर्णय ही तो सब कुछ है, निर्णय लेना इतना आसान थोड़ी है। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पुराने चार्ट्स देखने पड़ेंगे, आपको उस स्टॉक्स के बिहेवियर देखने पड़ेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब निफ्टी चलती है तो क्या ये शेयर चलता है, नहीं ये शेयर चलता है जब ये सेक्टर चलता है, तो क्या ये सेक्टर निफ्टी के साथ चलता है, कितनी कितनी बजे वॉल्यूम आता है, कितनी कितनी बजे गिरावट आती है, गिरे तो कितना गिरता है, बढ़े तो कितना बढ़ता है, मैं कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फिर आपको पूरी आज़ादी क्या है, आपने 100 शेयर खरीदे तो आपको इतने टूल्स वहाँ पे अवेलेबल है ऑर्डर्स में, उस पे हम एक नया पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, तो आपको वहाँ पता लग रहा है 100 शेयर में से आपको लगा कि फायदा 5 का भी हो सकता है, फायदा 10 रुपए का भी हो सकता है, तो आपने ऐसा किया आधी क्वांटिटी में 5 रुपए पे सेलिंग ऑर्डर लगा दी और बची हुई क्वांटिटी में आपने 10 पे लगा दी, कुछ क्वांटिटी आपने खुली छोड़ दी 100 में से 10 शेयर ऐसे कि भले 25 रुपए बढ़ जाए क्या भरोसा, तो वो भी फायदा मुझे मिलेगा, और नीचे स्टॉप लॉस लगाया वो भी 2 टुकड़ों में लगा सकते हैं और जब चाहे तब अपने ऑर्डर को बदल सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फिर ऑर्डर्स के टाइप्स होते हैं, इंट्राडे के लिए ले रहे हैं या डिलीवरी के लिए ले रहे हैं, और हम वहाँ पे दूसरे जो पैरामीटर्स होते हैं उनको समझेंगे। तो दोस्तों बहुत आसान है, जैसे आप अपना मोबाइल ऑपरेट करते हैं ना, आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सभी चीज़ों को अच्छे से, टिकटॉक को भी तो कितना अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, उतना ही आसान है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना। तो जब आप जब आएंगे ना और अपना काम करेंगे तब आपको बहुत ताजुब होने वाला है, जैसे हमको हुआ था कि हम पहुंचे, बोले क्या करना पड़ेगा, बोले अकाउंट खुलवा लो, फिर बोले आप शेयर खरीदना है, तो बोले कौन सा लेना है, तो हमने कहा कि कितने, 50, बोले कितने ले सकते हैं, बोले ठीक है 50 लिए। अब हम देख रहे हैं उसका प्राइस, तो हमको तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है वहाँ पे, बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा था, तो 150 में लिया एकदम, वो बोले 155 हो गया है, क्या निकालना है क्या, 250 रुपये मिल रहा है। मैं कहा दे दो,
दिया। बोले क्या हुआ? बोले बिक गए 250 रुपये M2M में दिख रहे हैं, मार्क टू मार्केट प्रॉफिट में, बस हो गया। ऐसे ये काम है, लेकिन हम क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि हमको लग रहा है कि काफी मुश्किल होगा, इतना आसान थोड़ी है। क्योंकि हम बाकी यहाँ दो दुनिया के दो विभाजन हो चुके हैं, डिजिटल डिवाइड है। एक तरफ ऐसी दुनिया है जब पूरे दिन मेहनत करके आदमी को 200 रुपये नहीं बच रहे हैं, एक तरफ ऐसी दुनिया है कि आदमी सिर्फ डिसीजन ले रहा है और उसको दिन का 5-5 हज़ार रुपया मिल सकता है, 50 हज़ार भी मिल सकता है। तो आपको तय करना है आप कौन सी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, डे ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें कम से कम कितना पैसा लगा के काम कर सकते हैं, कितना फायदा नुकसान होता है, उससे बचने का तरीका क्या है, क्या ये बहुत रिस्की होता है। हाँ, अगर आपको जानकारी और समझ नहीं है तो बहुत रिस्की है, लेकिन अगर आपको समझ है तो फिर मैं कहूंगा कि पान का दुकान किराना दुकान से भी ज्यादा सेफ है, आपकी सिंपल सी नौकरी से भी ज्यादा, टेलीकॉलिंग की नौकरी से भी ज्यादा सेफ है। तो दोस्तों सीखना चाहते हैं हमारे चैनल पे आइए। और अगर कोई भी पेड कोर्सेस के बारे में बात करें तो आपको हमारे साथ बात करनी होगी, स्पेशली ये बताना होगा कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं, आप उसका इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप उसका मिसयूज़ करने वाले हैं तो हम आपके साथ अपना पेड कोर्स शेयर करना नहीं चाहेंगे। मतलब एक हमारे छोटे से फायदे के लिए कोई बड़ा नुकसान अपना कर ले, ये बात अब हमको मंजूर नहीं, क्योंकि अब हम उतने मजबूर नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते जाइए। जितने लोगों के साथ सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमको सपोर्ट मिलेगा, आपका अप्रिसिएशन। मतलब पैसा नहीं तो प्यार तो चाहिए ही होता है ना, उतना तो कम से कम जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए, हम एक स्पेशल ग्रुप बनाएंगे जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।